हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो सुबह के 11:30 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ और ब्लॉग बनाने के लिए। और आप देख सकते हो सेक्टर 15 पार्ट 2 की मार्केट में हूँ। यह मेरे दोस्त हैं जो कि अभी बैठे पड़े हैं, यह भी डिस्कशन करते हैं, तो इनकी डिस्कशन आप सुन सकते हो या कुछ। हाँ, तो यह मेरा, ये देख सकते हो, 15 तारीख को आगरा जाना। और किस खुशी में आगरा जाना जरा बताओ। आगरा जाना, ताजमहल देखने, अब ताजमहल देखने लिए। वहाँ लाल किला भी है, लाल किला भी देखने आइए। और आप कहाँ जाना चाहते हैं भाई साहब, बताएंगे कुछ अपने बारे में? यही कह रहे हैं तो यार, कहाँ जाना ही नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं जाना? हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? आगरा, आगरा एक अच्छी सिटी है जहाँ पर आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। शाहजहाँ ने ताजमहल बना दिया, क्या बात कर रहे हो यार। शाहजहाँ ने मेरी याद के लिए वो आगरा बनाया था और मैं देखने के लिए, इसलिए हम जाना चाहते हैं 15 तारीख को। अच्छा, आपकी यादों में बनाया था, मतलब मुमताज बेगम आप ही थे। इसलिए कि मेरी वो मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसमें एक चाटा मार दिया था, इसलिए ब्रेकअप हो गया। अच्छा, उसने देख लो, इसी ब्रेकअप की याद में ताजमहल बना लिया। तुम्हारे ब्रेकअप की याद में, तुम्हारे ब्रेकअप की याद में ताजमहल बन गया। मेरी ब्रेकअप की याद में ताजमहल बनाया। जी हाँ दोस्तों, तो देख सकते हो ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनके ब्रेकअप के चलते ताजमहल बन गया। अब तो यह तो वहां से जाकर पूछना पड़ेगा। बाद उसने आज तक किसी से पहचान भी नहीं किया, ना दूसरा कोई बॉयफ्रेंड उसका। देखो, अब उसी ताजमहल के अंदर उसकी कबर बन गई और उसी में समाधि, उसी में उसको नीचे नीचे भी तो कबर बना दी उसी के अंदर। आप कुछ कहना चाहते हो? तभी मैंने इनकी बकचोदी वाली चीजें सुन रहा हूँ, तभी मैं सुन लूं। उसकी जो कबर नीचे बनी थी ना, इसे आप सीरियस न ले। कबर के ठंडा छाया के लिए मैंने बगल से यमुना निकलवा दिया ताकि वहां से ठंडा ठंडा हवा आए, और ऊपर से एक फव्वारा चालू करवा दिया, एक घूसा मार के, ताकि वो फव्वारा कभी आज तक बंद नहीं हुआ और अभी तक चल रहा है, चाहे तो तुम जाके देखोगे। तो दोस्तों, इससे बात को सीरियस ना लें, यह बस एक मौज था और या कुछ धंधे की बात हो रही थी, तो बता सकते हैं। बात हो रही है? अच्छा, धंधे की बात नहीं हो रही है, काम की बात हो रही है। अच्छा, काम की बात बता सकते हैं? आज आपका बिजनेस कौन सा है? हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा यही बिजनेस है जो शूट हो रहा है। अच्छा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, कम से कम 2-3 लाख बंदों को तो शेयर ही कर दे। और क्या, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो आप देख सकते हो, वो अकेले शेर आ गया जंगल में, जंगल से बाहर आ गया, वह खोज रहा है कि हमारा मित्र कहाँ चला गया। दोस्तों, फरीदाबाद के बारे में कुछ बात हो रही थी, आप बता सकते हो फरीदाबाद में क्या हुआ है? फरीदाबाद के जंगल में जाऊंगा मैं वीडियो बनाने। अच्छा, फरीदाबाद शेर है, चीता है, बंदर है, हिरन है, बहुत से जानवर है वहाँ पे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हो जंगल जानवर के बारे में? जाएंगे जब पता चलेगा। तो आप बताओ, आ जाएं तब हम जाएंगे। अच्छा, ये बचने वाले हैं? अच्छा, ये बात है ना, बोलता क्यों नहीं है तू? क्या करना था यार, भूल नहीं गया। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी याद दिल होती है, लाखों करोड़ों की बात की जाती है। एक्सपायर हो तुम्हें डेट दोबारा बढ़ा लेना भाई, जेब में एक भी रुपए ना हो, लेकिन बड़ी बातें होती है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें वर्ल्ड को फॉलो करें। अगर यह आप करते हो तो यह बड़े बड़े जो गाड़ियों बिजनेस की बातें होती हो यही हो सकती है, बाकी कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। अरे बाइक में सिलेंडर में एक आलू खींच दो, देखो आप बोलो ये मैं बाइक को इसमें आलू डाल दियो, हम बाइक स्टार्ट करेंगे, देखते क्या होता है बाइक में, या आलू उड़ेगा। अगर आपको फेमस हो सकते हो तो ऐसा कर सकते हो। अब देखो, वीडियो बनाने के बारे में यहाँ पर लोग बताते हैं, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ग्रुप नहीं है, चैनल है, चैनल पे है, हम बताएंगे इनकी बकचोदी कहाँ पर होती है, और इस बकचोदी के लिए आप आ सकते हो हमारे चैनल पर, कमेंट करके बताओ। अगर आपको चाहिए इन लोगों का नंबर तो हम देंगे, और इस ग्रुप को ज्वाइन करो। क्यों भाई साहब, और कुछ नहीं कहना है? साइलेंट क्यों हो रहे हो? अब अगली चैनल में मिलेंगे तुमसे, कृपया इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना भाई।